मैं तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं जानता हूं कि हाँ, ये वक्त मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा। एक दफा अगर मेरा सॉफ्टवेयर अप्रूव हो गया ना, यू हैव नो आइडिया, हमारे दिन बदल जाएंगे यार। एंड आई रियली वॉन्टेड टू डू समथिंग बिग इन माई लाइफ। सारे पेपर्स रेडी हैं, सब कुछ रेडी है। यू नो व्हाट, आई एम अप। ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं होगी, पूरे पाकिस्तान की अचीवमेंट होगी। और तुम्हें तो याद है, आई वाज द टॉप स्टूडेंट ऑफ माय यूनिवर्सिटी। कान पक गए मेरे ये बात सुन सुन के। 13 साल हो चुके ये थके भरे जिंदगी गुजारते, और कितना सम। आई नो पर जहां इतने दिन गुजारे हैं, वहां कुछ और दिन की बात है, कुछ और दिन। खुद गर्ज इंसान हो, अब भी तुम्हारा ये सवाल करना बनता था मुझसे। देखो, अगर 13 साल हो गए मुझे सिसकते हुए, कब तक अजियत बर्दाश्त करूं मैं? हाँ, मैं भी इंसान हूं। छोटी छोटी चीजों के लिए खुद को और अपने बच्चे को सिसकते हुए देखा है मैंने। अपनी इज्जत छोड़ क्यों नहीं देते उस वे? जाकर कहीं टिककर ढंग से नौकरी क्यों नहीं कर लेते? हमेशा हर बार यही बोलकर क्यों निकाले जाते हो कि तुम्हारा काम पर फोकस ही नहीं है? इसलिए कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता हूं। That's why I don't like this 9 से 5 वाली नौकरी। Please try to understand, Aima। तुमसे तो बहस करना ही फसूल है। चलो नाश्ता खत्म करो, फिर चलें। फिर स्कूल छोड़ के डैडी, आज किस बात पे लड़ाई हुई? नहीं, लड़ नहीं रहे यार, ऐसे ही पेरेंट्स में आर्गुमेंट्स होते रहते हैं, बच्चे परेशान नहीं होने। ठीक है, ओके, चलो आज तक खत्म करो।